चलिए, पॉलिटी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। आज हम सिटीजनशिप से जुड़े हुए कंसेप्ट समझेंगे, नागरिकता से जुड़े हुए मामले। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा 65-66 के अराउंड का आगे का लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में अगर आप जाएंगे तो हमने जब आपको इंडिया के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए, उसमें हमने आपको उस समय में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से आज़ादी के समय में नागरिकता कंसेप्ट पढ़ाया था। उसी के समय में सिटीजनशिप को लेकर के हमने बहुत एलैबोरेटेड डिबेट वहाँ पे लेक्चर्स में डाली है। आप हमारे इसी सीरीज़ के ज़रा पीछे के लेक्चर में जाइए, हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो नया आया उससे जुड़े हुए सारे लेक्चर और डिबेट भी वहाँ डाले। बहुत खूबसूरती से वो लेक्चर 6 से 7 लेक्चर सिटीजनशिप पे हैं। मेरा निवेदन है आप सबसे भी और दूरदर्शकों से भी कि आप उन्हें ज़रूर सुने। आज का लेक्चर तो हम बुक के टिपिकल टेक्निकल मर्यादा में करेंगे। सिटीजनशिप कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर आती है? कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 आपने किया और पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड हुआ था और पार्ट 2 सिटीजनशिप से जुड़ा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ पर फॉल करती है? पार्ट 2। जहाँ पार्ट 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल 1-4 हमने पढ़े, टोटल 4 आर्टिकल, वहीं पर सिटीजनशिप से रिलेटेड हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 5-11 है। आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 5-11 आपको पढ़ने हैं सिटीजनशिप के लिए। कई बार ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई बात समझ में? अगला इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ध्यान से देखिए, जब संविधान की शुरुआत हुई तो आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक किन चीज़ों को स्थापित कर रहे थे? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। एक संविधान बन रहा है और संविधान में सबसे पहले क्या स्थापित किया जा रहा है कि किस के लिए संविधान बन रहा है, किस भूभाग किस क्षेत्र के लिए संविधान बन रहा है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज एक्सप्लेन की गई। पार्ट्स किस सीक्वेंस में समझ आ रहा है? पहले पार्ट में पार्लियामेंट भी तो हो सकता था, पहले पार्ट में स्टेट लेजिस्लेचर्स भी तो हो सकती थी, ऐसा क्यों नहीं हुआ? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल भी तो हो सकता था, लेकिन पहले पार्ट में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है क्योंकि बाकी सारी व्यवस्था, सारी संस्थाएं, यानी कि सारे अरेंजमेंट्स, सारे इंस्टीट्यूशंस उस पर्टिकुलर लैंड के लिए ही हैं। लैंड एस्टेब्लिश होगा अगर, फिर ही लॉ ऑफ द लैंड एस्टेब्लिश होगा। लैंड एस्टेब्लिश होगा देन लॉ ऑफ द लैंड एस्टेब्लिश होगा, क्योंकि उस लैंड का क्या लॉ है ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा कि किस कैरेक्टर का लैंड एस्टेब्लिश किया है, किस नेचर का लैंड एस्टेब्लिश किया है। मतलब कि हमारी कंट्री का जो लैंड, जिसे हम यहाँ पर डिनोट करेंगे नेशन से, स्टेट से, कि हम बीइंग अ कंट्री, बीइंग अ स्टेट, बीइंग अ नेशन कैसे हैं, क्या कैरेक्टर रखते हैं, उस पे लॉज खड़े होंगे। तो उसके लिए संस्था व्यवस्था आएंगी, जैसे कि पार्लियामेंट होगा, यानी कि यूनियन लेजिस्लेचर, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट एग्जीक्यूटिव, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ये आगे जा कर के आएंगी। पहले ये तो डीमार्केट करना पड़ेगा कि ये संस्थाएँ, ये व्यवस्थाएँ किस क्षेत्र के लिए निर्धारित की जा रही हैं। हवा में तो संस्था व्यवस्था नहीं आएगी कि क्षेत्र पहले स्थापित होता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के लिए। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्षेत्र स्थापित कर दिया गया, उस क्षेत्र के कोई निवासी तो होंगे, सभी संस्थाएं, नियम कानून, यानी कि हर तरह के रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड अरेंजमेंट्स, यानी कि व्यवस्थाएं किन के लिए हैं? उस क्षेत्र में निवास करने वाले, उस क्षेत्र में वास करने वाले लोगों के लिए, द नेटिव्स, जिन्हें आप ज़्यादा टेक्निकल सेंस में जब लॉज, राइट्स, प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सो द मोर टेक्निकल क्लियर एंड डीमार्केटेड टर्म इज़ द सिटीज़न।
बिकॉज इन द सिटीजन वर्ल्ड इज वेरी मच रिलेटेड टू द राइट्स ड्यूटीज privileges and the obligations. So the more firm, demarcated, clear and highly non-ambiguous terminology is citizen. So लोग, नागरिक, यह शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है. Immediate after the union and its territory existence में लोग आ जाते हैं, क्योंकि सभी प्रावधान, विधान, संस्थाएं, व्यवस्थाएं इन्हीं के लिए हैं. तो पहले इन्हें चिन्हित करना होगा ना, इन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना. तो लोगों को आइडेंटिफाई करना नागरिक के तौर पर, वही तो नागरिकता का प्रावधान है. समझ आई बात? क्योंकि लोगों से जब आप नागरिक हो जाते हैं तो बहुत परिवर्तन आ जाता है. आपको बहुत से अधिकार मिलने लगते हैं, आपके बहुत से दायित्व निर्धारित हो जाते हैं. समझ आई बात? ये एक कंसेप्ट हुआ. तो हमने जस्टिफाई किया कि पार्ट टू पार्ट वन के बाद क्यों आ रहा है, क्योंकि पार्ट टू में सिटीजन है, सिटीजनशिप है, और पार्ट वन में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है. जहाँ पर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में हमने यूनियन की शक्तियों का बखान किया, हमने बताया कि टेरिटरी को लेकर के उसके क्या क्या अधिकार हैं. वहीं पर अब हम नागरिकों को स्थापित करेंगे, क्योंकि आगे आकर के पार्ट थ्री में हम आपको उस लोकतंत्र में बस रहे उन नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जिक्र करेंगे. तो पार्ट थ्री कभी भी पार्ट टू नहीं हो सकता था. फंडामेंटल राइट को भी पार्ट टू में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता कि ये किन के लिए हैं और किन के लिए नहीं हैं. तो ये जिनके लिए हैं उनको मैं आज स्थापित करने जा रहा हूँ, ये जिनके लिए नहीं है मैं उन्हें भी विभाजित करके दिखाऊँगा, अलग करके दिखाऊंगा. तो सिटीजनशिप इज अ कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव अप्रोच. ये कुछ सेगमेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, कुछ सेगमेंट को इंक्लूड कर देते हैं. कहीं पर इसे एक्सक्लूशनरी कंसेप्ट कहेंगे, कहीं पर इंक्लूशनरी. ओके, इस तरह से सिटीजनशिप काम करती है. अब जिंदगी में कभी संविधान में सवाल आ जाए कि कौन से पार्ट में है, ये तो नहीं भूलेगा ना. हमने लॉजिकली अंडरस्टैंड किया ना, ऑर्गेनिकली, साइंटिफिकली, कि ये विधि का विधान ही बनता है कि इसे पार्ट टू में ही आना है. पार्ट वन में आ जाता तो आप मुझसे एक नेचुरल प्रश्न कर बैठते कि सर किस क्षेत्र के हैं ये निवासी. आज आपसे जब पूछा जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नागरिकता है आपके पास, कहाँ के हैं, तो आप कहते हैं ना इंडिया. तो वो लोग यकायक ही इंडिया को उस नक्शे पर तलाशते हैं ना, क्योंकि उसका एक क्षेत्र निर्धारित है. तभी तो आपका एक इंडियन कैरेक्टर कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर है, क्योंकि वो इंडियन कैरेक्टर आपको जिन लॉ से, जिन लॉ ऑफ द लैंड से, जो वहाँ से आइडेंटिटी मिलती है, वो लैंड भी फिक्स्ड है, परमानेंट है, क्योंकि स्टेट की एग्जिस्टेंस परमानेंट है. तो आप उनसे नेचुरली पूछते कि सर पार्ट वन में ही नागरिक बता दिया, क्षेत्र तो पता ही नहीं है कि कहाँ के नागरिक, कहाँ के रहने वाले हो भाई. किसी से भी ऐसे पूछते, कोई भी आता है कॉलोनी में सब्जी वाला, और कहाँ के रहते हो, वो कहता है बस यही है, यूपी के, मैंने यूपी के, बिहार के, ऐसा बोलता है ना. तो फिर आप कहते हो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. अगर वो कहे बस यही क्या है, आसमान से, आसमान से, आसमान से, आसमानी हो, हाँ. तो अगर वाकई वो आसमानी भी हुआ ना, आसमान का भी हुआ, डिवाइन डिवाइन लोग होते थे पहले, तो भी आप कोशिश करेंगे कि उसको कहेंगे प्रूफ करो, अगर नहीं है तो फिर स्थापित करो, ज़मीन पर कोई जगह ढूंढो अपने लिए. डिवाइन तो ठीक है, मुगल किंग कहते थे कि डिवाइन है भाई, है ना. डिवाइन किंगशिप का कंसेप्ट तो बहुत चला हमारे देश में. क्या थे वो, रूहानी नू, है ना, आसमानी. फिर भी जगह तो ढूंढते थे ना. डिवाइन किंग का थ्रोन कौन सा है, सीट कौन सी, आगरा है कि दिल्ली है कि तुगलकाबाद है कि कौन है तुम्हारा स्थान. तो बेटा लैंड टेरिटरी तो डिफाइन करनी पड़ेगी. तो फिर कहेगा कि आसमानी है. अब फिर भी पूछेगा कहाँ के हो, वो कहेगा बस हम तो फकीर आदमी, फक्कर. तो फिर आप कहेंगे अच्छा, या तो बंजारे हो सकते हो, फकीर हो, घुमंतू हो क्या, बंजारे हो क्या, फकीर हो क्या, और फिर इसके में भी कुछ नहीं. फिर आप कहोगे अच्छा रिफ्यूजी हो क्या. देखिए उनके पास नागरिकता नहीं होती, इसी से तो पता लगता है कि कोई क्षेत्र नहीं है निर्धारित कि वो कहाँ के हैं. तो फिर वो क्या कहते हैं, रिफ्यूजी हैं जी, मैंने पनाह गिर. उनका कोई खुद का क्षेत्र नहीं है, उन्होंने पनाह ली है किसी के क्षेत्र में. बेटा रिफ्यूजी नहीं हो इसलिए नागरिक हो.
समझ में आ गई बात? और वो जो डिटेंशन कैंप है ना, उनमें बैठे लोग नागरिकता ही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नागरिकता प्रमाणित होते ही क्षेत्र प्रमाणित हो जाएगा कि अब वो भारत के निवासी है, क्षेत्र मिल जाएगा उनको, टेरिटरी। तो नागरिकता पहले पार्ट में नहीं आ सकती थी, पहले पार्ट में तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आ सकता था। नागरिकता पार्ट थ्री में भी नहीं आ सकती थी, क्योंकि अधिकार किसके लिए सुनिश्चित किए जा रहे हैं पहले ये बताना जरूरी था, और वो नागरिक हैं। तो नागरिकता कौन से पार्ट में आती है? जिंदगी में कभी कंफ्यूज आओगे? अगर कभी क्वेश्चन आ जाए नागरिकता पार्ट 1, 2, 3, 4, आंसर क्या करोगे? पार्ट टू। और कोई पूछ ले पार्ट 1 में क्या आता है, और कोई पूछ ले पार्ट 3 में क्या आता है, और कोई पूछ ले पार्ट 4 में क्या आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निदेशक तत्व। समझ आई? ये बड़ी चीज़ है। इस तरह से सारे पार्ट याद करा दूंगा ऑर्गेनिकली, कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि जो पार्ट पूछा जाएगा उसके अगले पिछले का भी रीज़न होगा कि ये यहीं पर ही होना था, आगे पीछे तो ये हो ही नहीं सकता था, मतलब ही नहीं है। अगर इसको थोड़ा भी आगे करोगे तो फिर मैं नाराज़ हो जाऊँगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की मर्यादा को तुम भंग कर रहे हो। चलिए, हमने नागरिकता पार्ट 2 में स्थापित कर दी। आर्टिकल 5 से 11 तक है, वो 12 भी हो सकते थे, अब उन्होंने 11 तक किए हैं, उतने में तसल्ली हो गई उनकी, है ना। अब ये आप पूछो कि सर वो 11 ही क्यों है, प्लीज़ इसका भी लॉजिक दे दो, 14 कर दो। तो वो मुझे नहीं पता कितने कि क्यों उन्होंने 11 में किए, पर प्रमाणित कर दूंगा कि 11 में ही बात बन रही थी। 11 से ज़्यादा फिर करते तो एग्जैजरेशन हो जाता, फिर ऐसा लगता कि जरूर ज़बरदस्ती आपका सिलेबस बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो 5 से ही 11 आर्टिकल बनते हैं, आएंगे उनकी तरफ भी आएंगे। पहले यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ लें। नागरिकता मिली, क्या अंग्रेजों के समय में कोई नागरिकता कंसेप्ट एग्जिस्ट करता होगा? ब्रिटिशर्स के समय में। मैं एक बात और समझा देना चाहता हूँ कि सिटीजनशिप के फिलोसफिकल टेक्निकल आस्पेक्ट्स को बहुत डीपली हमने हमारी दूसरी प्लेलिस्ट में कवर किया, उस पर इस वर्ड पे चैप्टर है पूरा सिटीजनशिप, वो प्लेलिस्ट 64 लेक्चर की है, वो भी सुन लें अगर सुनना है तो, समझ आ जाएगा। हाँ, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये अंग्रेज़ों के समय में से एग्जिस्ट करता था? नहीं एग्जिस्ट करता था। जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तब सिटीजन कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। सवाल पैदा होता है क्यों नहीं करता था, एग्जिस्ट क्यों नहीं करता था? ध्यान से समझिए, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता था? देखिए, ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था और आप उसकी एक कॉलोनी थे, ये बात क्लियर है? पहले तो क्या हो रहा था कि 1858 के पहले तक आपके यहाँ पर अपने ही रूलर्स हुआ करते थे इंडिजीनियस, आप उन रूलर्स की प्रजा हुआ करते थे, सब्जेक्ट। प्रजा को सब्जेक्ट कहते हैं ना। तब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्म में थे, EIC, तो वो तो एक कंपनी थी। वो बात अलग है कि 1757 का प्लासी का बैटल जीतने के बाद उन्हें एक पॉलिटिकल फुटहोल्ड इंडिया में मिला, और बक्सर के युद्ध के बाद जो ट्रीटी साइन हुई अलाहाबाद की, 1963-64 का वो दौर है जब उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा में टैक्स कलेक्शन के राइट्स, यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स, दीवानी के अधिकार मिले। दीवानी के सिविल एडमिनिस्ट्रेटर हुए हैं वो, रूलर तो नहीं हुए। अवध का नवाब तो अभी भी नवाब भारत का ही था ना, समझो बात को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में रूलर्स इंडियन ही है। उन इंडियन रूलर्स पे ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस या किसी भी तरह के प्रबंध के माध्यम से अंग्रेज कंट्रोल करते जा रहे हैं, लेकिन इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ब्रिटिश क्राउन ने आफ्टर 1857 रिवॉल्ट लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी से इंडिया ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया 1857 के बाद, क्वीन प्रोक्लेमेशन हो गया 1858। तब से हम सब किसकी प्रजा हो गए? साम्राज्ञी की प्रजा, द सब्जेक्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्प्रेस, ब्रिटिश एम्पायर यू कैन कॉल इट। क्लियर? तो अब हम ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आ गए ना, तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गए ना आफ्टर 1858। उसके बाद फिर हम क्या हो जा रहे हैं, एक तो हम डायरेक्टली
सब्जेक्ट हो रहे हैं ब्रिटिश क्राउन के, वो कहाँ पर, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा रेगुलेटेड ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं BIPs, और दूसरे ब्रिटिशर्स ने प्रिंसली स्टेट्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है बाय द वे ऑफ पैरामाउंट सी। पैरामाउंट पावर तो ब्रिटिशर्स ही है ना, तो उन्होंने उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो उनके जो सिटीजन हैं उस प्रिंसली स्टेट में, राजघरानों में आने वाले, वो कौन से हैं, ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट सब्जेक्ट BPS। जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस में डायरेक्टली फॉल करने वाले नागरिक हैं, लोग हैं, वो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के सिंपल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट हैं ब्रिटिश क्राउन के। लेकिन जो इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने उनको पैरामाउंट पावर के तहत प्रोटेक्शन दे रखी है कि उनकी एग्जिस्टेंस हमेशा प्रोटेक्टेड ही रहेगी, वो प्रिंसली स्टेट्स ख़त्म नहीं होंगे, उनकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी ब्रिटिश क्राउन के जिम्मे चली गई, ये सारी सिस्टम उनके पास हैं, तो एक तरह से ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट सब्जेक्ट हो गए वो वहाँ पे आने वाले लोग। और इनको उन प्रिंसली स्टेट से इन ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की तरफ जाने के लिए ब्रिटिश इंडिया यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से इशूड वीज़ा यानी कि परमिशन चाहिए होती थी। प्रिंसली स्टेट से जब लोगों को ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस की तरफ जाना होता था, अनुमति चाहिए होती थी, वीज़ा चाहिए होता था। समझ आ रही बात? वो ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट सब्जेक्ट थे क्योंकि वो प्रिंसली स्टेट्स के अंदर थे, और प्रिंसली स्टेट्स तो फॉरेन कंट्री काउंट हो रही हैं ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, क्योंकि तब इंडिया इंडिया तो था नहीं ना उस सेंस में। समझ आ रही बात? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? जैसे उदाहरण के तौर पे मद्रास प्रेसिडेंसी और हैदराबाद स्टेट। अब हैदराबाद स्टेट से मद्रास प्रेसिडेंसी जाना है अगर नागरिकों को, ट्रेड कॉमर्स करना है, तो उसके लिए एग्रीमेंट्स हो जाते थे, कई तरह की ट्रीटीज़ हुई होती थी, लेकिन नागरिकों को जाना है तो उनको फिर ब्रिटिशर्स के वाया जो इशू किए गए एम्बेसी के वाया जो परमिशंस हैं, वीज़ाज हैं, वो लेने पड़ते थे, फिर जाते थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए फॉरेन कंट्री हैं, एक ही कॉन्टिनेंट में है लेकिन फॉरेन है, इसमें कोई हैरानी की भी बात नहीं है। जैसे इटली के लिए स्पेन, स्पेन के लिए फ्रांस, है तो अगल बगल में ही लेकिन है तो फॉरेन कंट्री। आप भी यहाँ से शेंगेन वीज़ा लेके जाते हैं तभी घूम पाते हैं ना, अदरवाइज़ तो ईजी नहीं है ये। समझ आई बात? तो यूरोपियन यूनियन के अंडर अगर आप चल रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वैसे अगर आप इटालियन हैं तो जर्मनी इज़ अ काइंड ऑफ फॉरेन कंट्री फॉर यू, वो बात अलग है, अगल बगल में। यहाँ पे नेपाल भी तो आपके लिए फॉरेन कंट्री है। अब यूपी के लोग कहेंगे कि नेपाल जाने के लिए परमिशन चाहिए, या फिर भूटान जाने के लिए, अरुणाचल वाले कहेंगे कि बगल में तो हैं पहाड़ी के, उधर छलांग मार के चले जाते हैं घोड़े बैठ के, नहीं ऐसा नहीं है, परमिशन लेनी पड़ी। इसी तरह से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस मद्रास से हैदराबाद जाना है, अगर हैदराबाद निज़ाम के स्टेट में जाना है, तो देर वॉज काइंड ऑफ परमिशन गिवन बाय द ब्रिटिशर्स, इट्स काइंड ऑफ वीज़ा। अगर हैदराबाद से ब्रिटिश इंडियन प्रोविंस में आना है तो वीज़ा है, परमिशन सिस्टम चलता रहा। सिटीजन नहीं है आप, सब्जेक्ट हैं, एक तरफ सिंपल सब्जेक्ट है, एक तरफ प्रोटेक्टरेट सब्जेक्ट है। आपको याद होगा वर्ल्ड वार वन लगा भारतीयों को इस्तेमाल किया था ना वर्ल्ड वार वन में, यूरोप की धरती पर अंग्रेजों ने। अब इंडियंस को यूज़ वहाँ पर किया जा रहा है, तो यहाँ पर अब देखना ज़रूरी है, इंडियंस तो नहीं कहा हमें, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा इंडिया, ऐसा कहा जा रहा है ब्रिटिश इंडियन आर्मी, है ना। तो हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थे, और उसके तौर पर उस कॉलोनी से जो सैनिक कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो आर्मी कंट्रीब्यूट हो रही है, वो लड़ रही है, लेकिन फिर भी हमारी एक डिमार्केशन तो हुई ना। क्या डिमार्केशन हो रही है? कि जब अमेरिका की, फ्रांस की, ब्रिटेन की, तीनों की सेनाएं वहाँ लड़ रही हैं, तो हम लोग ब्रिटेन की सेना के वहाँ पर कई टुकड़ियाँ होंगी जो खुद ब्रिटेन के मेनलैंड से आई होंगी, जो इंडिया से कंट्रीब्यूट हुई, तो उसमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मतलब ब्रिटिश इंडियन सब्जेक्ट से कंट्रीब्यूट हो रही आर्मी। तो यहाँ पर भी हमारा ये डिमार्केशन इस सेंस में नज़र आ रहा है। ऑल इन ऑल होल ब्रिटिश आर्मी में हम इस वे में जाने जा रहे हैं, भारतीय टुकड़ी के तौर पर, ठीक है। सिटीजनशिप का कंसेप्ट अभी भी नहीं है। क्यों नहीं होगा, ऐसा क्यों होगा? इसके पहले था क्या, ब्रिटिशर्स के आने के पहले सिटीजनशिप थी क्या? नहीं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। कारण, जब राजघराना वंशानुगत तरीके से चल रहा है, जब एक किंग का जो हाउस है, जो उसकी थ्रोन है,
उसको फिल करने के लिए आप हेरिडिटरी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, सक्सेसरशिप का कंसेप्ट चल रहा है कि उसी के वंशज आगे आकर के बैठ रहे हैं, चुनाव की प्रक्रिया कोई नहीं है, उस ऑफिस में कोई और नहीं बैठ सकता, जो घर परिवार के लोग हैं सक्सेसरशिप के तहत वही बैठेंगे। तो जब चुनाव की प्रक्रिया ही नहीं है कि किसे चुनना है, किसे चुनना है, तो फिर ये भी तो तय करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन चुनेगा, कि इलेक्टोरेट्स कौन है, क्योंकि जब कोई इलेक्टेड ही नहीं है तो कोई इलेक्टोरेट कहाँ से आएंगे, और जब कोई इलेक्टोरेट्स ही नहीं है तो ये भी तो पता करने की ज़रूरत नहीं है कि नॉन इलेक्टोरेट कौन है, और जब इलेक्टोरेट और नॉन इलेक्टोरेट का कोई अंतर ही नहीं करना तो ये बताने की ज़रूरत क्यों ही है कि सिटोयन कौन है और सिटोयन कौन नहीं है, यानी कि सिटीजन कौन है और सिटीजन कौन नहीं है। तो देखिए, लार्जली मॉडर्न डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है सिटीजनशिप, मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम से जुड़ा हुआ, डेमोक्रेटिक स्टेट से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है सिटीजनशिप, नागरिकता, क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनाव से है, सीधा संबंध। इसको हम बहुत ब्रॉड ले जाएंगे, ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं है लेकिन सीधा संबंध चुनाव से है। आप जब चुनाव में वोट डालने जाते हैं, आप वोट NRI को वोट डालने का अधिकार नहीं है, आपको है ना, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को नहीं है, आपको है। क्यों डाल पा रहे हो आप? क्योंकि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं इंडियन पॉलिटिक्स के, यू आर अ वोटर। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि मॉडर्न लोकतंत्र में कैसा पॉलिटिकल सिस्टम होगा, यानी कि गवर्नेंस कैसी होगी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगा, ये निर्धारित करने का जिम्मा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के वासियों पर होता है, जनता पर है, ठीक है। और जनता ये करने के लिए कुछ शक्तियाँ धारण करती हैं, उनमें से एक शक्ति है वोटिंग का राइट, और वोटिंग का राइट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस राइट के माध्यम से आप उन गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को चुन रहे हैं, उन गवर्नेंस के सिस्टम को एस्टेब्लिश कर रहे हैं जो आगे आने वाले दिनों में आपको रेगुलेशंस, रूल्स प्रोवाइड करने वाला है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला है। इसमें तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि वो सिस्टम आप ही के द्वारा चुना हो, ना कि कोई और आकर के आपकी जगह पर वो सिस्टम चुन करके चला जाए। तो इसके लिए जो आपको अधिकार दिया गया है वोटिंग का, वो तो आपकी पॉलिटिकल राइट के तौर पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग राइट है। समझ आई बात? मान लीजिए एक लोकतंत्र है और आपके सामने एक सरकार है, आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं इस देश में रहने वाला था, सरकार के द्वारा लगाए जा रहे टैक्सेस और सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली नीतियाँ मैं भुगतने वाला था, लेकिन मेरे बगल में ये पर्सन है, ये अफ्रीकी है, ये 2-4 महीने के लिए इस देश में आया था, इसने भी वोट डाल दी, वोट डाल के गलत से आदमी चुन करके चला गया बाद में अफ्रीका, इसके द्वारा चुने गए लोगों का भुगतान मैं क्यों भुगतूँ, मैं क्यों उनकी नीतियों का पालन करूँ, मैं क्यों उन्हें टैक्स दूँ? तो फिर आप तो एक व्यवस्था ऐसी बनाएंगे ना जिसमें वो अफ्रीकी एक्सक्लूड हो जाए लेकिन आप इंक्लूड हो जाएं। तो वही व्यवस्था ये है कि आप उसमें और खुद में एक भेद कर रहे हैं इस आधार पर कि आप सिटीजन हैं, वो नहीं है, क्योंकि वो उसको आपने एक नाम से पुकारा अफ्रीकन, वो सिटीजन वहाँ का है, आप सिटीजन यहाँ के हैं, क्योंकि इस लैंड के लॉज आप पर लागू होंगे, उस पर नहीं, क्योंकि वो अफ्रीका में चला जाएगा। इसके लिए नागरिकता यहाँ से आती, क्योंकि आपके राजनीतिक अधिकारों, आपके देश की राजनीतिक व्यवस्था, आपके देश की वह संस्थाएं जो उस राजनीति को चलाती हैं और आपके लिए सोशल इकोनॉमिक सिस्टम को एस्टेब्लिश करती हैं, ये सब सुनिश्चित होता है एक आधार पर अगर देखें तो, चुनाव की प्रक्रिया से। और चुनाव में मतदान बड़ी बात है, वोटिंग बड़ी बात है, उसके लिए नागरिकता का तय करना, चयन करना बड़ी बात है, नागरिकता सुनिश्चित करना बड़ी बात है, ओके। लेकिन जब ये सब है ही नहीं तो नागरिकता की क्या ज़रूरत है? ये सब था पहले? था 26 जनवरी 1950 के पहले ये सब था? कुछ भी नहीं था। इलेक्शंस हुए लेकिन वो बहुत लिमिटेड फ्रेंचाइजी तक थे, बाकियों तक तो ये थे ही, इसलिए पहले ये सब नहीं होता था। अब इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत की बात? अब आती है बात की सर, ये कंसेप्ट फिर सिटीजन वर्ड अब हमें समझाइए कहाँ से आ रहा है। देखिए, पहले सिटी स्टेट हुआ करते थे, सिटी स्टेट हुआ करते थे, ये
यूरोप में अगर हम चले जाएं तो आपको सिटी स्टेट कंसेप्ट नज़र आएगा। क्या कंसेप्ट नज़र आ रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझिए। देखिए, एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था में बहुत ही अच्छा है, लेकिन है वो राजघराना। एक राजघराने के द्वारा शासन चलाया जा रहा है, तो आप सब सारे सब्जेक्टेड टू द थ्रोन है। यू ऑल आर सब्जेक्टेड टू द थ्रोन। ध्यान से मेरी लाइन सुनिए। यू आर नॉट द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ दैट पॉलिटिकल सिस्टम, यू आर सब्जेक्टेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम। यू आर नॉट द पार्टिसिपेंट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, यू आर सब्जेक्टेड टू द पॉलिटिकल सिस्टम। दैट्स वाई आप सब्जेक्ट हैं, प्रजा हैं। समझ आई? क्या है? प्रजा। वह राजा है, आप प्रजा हैं। क्लियर हो गई कहानी? ओके। अगर आप उस सिस्टम के पार्टिसिपेंट हो जाएं, फिर तो यू आर द पार्टिसिपेंट, यानी कि यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन फेट, यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। इसी को कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी, इसी को कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी वेस्टेड इन द पीपल, इसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। बट व्हेन यू आर सब्जेक्टेड टू द सिस्टम एंड यू आर प्रजा, यू हैव टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स गिवन बाय द अथॉरिटीज, नॉट बीइंग सेलेक्टेड बाय यू। दे आर फ्रॉम समवेयर हेरिडिटरी कंसेप्ट और समवेयर अदर कंसेप्ट, बट यू आर सब्जेक्टेड टू द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम सेटल्ड बाय देम। ये सब्जेक्ट सिस्टम चल रहा था, प्रजा सिस्टम। लेकिन सिस्टम बदला, यूरोप में व्यापार बढ़ा, ट्रेड कमर्स सिस्टम आगे बढ़ा, पुरानी स्थापित व्यवस्थाएं उखड़ने लगे, नए व्यापारी वर्ग, नई बर्गवाइज क्लास एग्जिस्टेंस में आने लगी और नगरों का विकास होने लगा, सिटीज महत्वपूर्ण होने लगी, वहीं से सारा ट्रेड कमर्स मैनेज होने लगा, वहीं पर नई व्यवस्था की आवश्यकता पैदा हुई कि इन नई ट्रेडिंग कमर्शियल सिटीज़ को कैसे अब मैनेज किया जाए। तो दे हैव डिसाइडेड टू सेटल सम सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ व्यवस्थाएं की जाए, है ना। एंड इन दैट ऑर्गेनाइजेशन दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, दे डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन। सो द पीपल ऑफ द सिटी डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन टू द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। That organization you can call government. Organization ko you can call government. Because why we are calling it government? Because it will govern the system or the rules, regulations enacted by the people, or you can say the legislatures. The government will govern that. Okay, as an organizer, they will govern that. Because all the city dwellers, they are being participating or participated into the development of that organizations. So ultimately that system, that government or that organization belongs to them directly. They are not subjected to that, they are participant to that. So that city, wo city is a city due to that organization. It was not the seat of the king. It was a city. It was not the seat of the king. It was a city. And it was a city due to its organization. And that organization was there because the advent of the new system due to the rampant trade and commerce, a flourishing trade and commerce. एक नई व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जिसमें एक नए वर्ग ने विचार किया कि हमें नियम कानून अपने हिसाब से बनाने हैं, राजघराने नहीं होंगे, क्योंकि सिस्टम नया है, ट्रेड है, कमर्स है, कनेक्टिविटी है अदर बंदरगाहों के साथ, अदर लोगों के साथ, और यहाँ पर महत्व प्रेजुडिस्ड सेक्शंस का नहीं है, क्लर्जी का या फिर फ्यूडल लॉर्ड्स का या फिर उसी पुरानी वंशानुगत घरानों का, यहाँ पर महत्व है नई व्यापारिक सोच का, नए ट्रेडिंग सेक्टर का, नए कमर्स का, इस तरह की चीज़ों का, और यह सब मिल करके एक व्यवस्था पैदा कर रहे हैं वह संस्था, तो आधार उसका सिटी है। सो हूएवर इज कंसर्न्ड, आई एम नॉट डायरेक्टली कॉलिंग इट लाइक द ऑल द वर्कर्स और द लेबरर्स आर पार्टिसिपेंट, बट
whoever is concerned with the overall development of that city, with the impact of the city, with the significance of the city. The significance of the city is related to the trade commerce. And then who is more concerned with that development is the trader and commercial section. And you can directly connect the trading and commercial section with the city. So majorly system established by them. So you can call that modern democracy somewhere related with the bourgeois class, the capitalist section. तो मेजॉरली वो सिस्टम उनसे कनेक्टेड है सिटी का. तो इसलिए बिकॉज दे आर बींग रिलेटेड विद द सिटी एंड फ्रॉम दैट सिटी देयर इज इमर्जिंग अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट सिस्टम इज बींग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पीपल हु आर कंसर्न्ड विद द सिटी. सो दैट्स व्हाई दे आर बींग कॉल्ड द सिटोयंस. सो द सिटोयंस इज अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूटिंग द सिस्टम ऑफ द सिटी, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिटी. So from the citoyen, you can call it the citizen. Okay. Citoyen. City-state system से. फिर आगे जा करके ये word citoyen बहुत मशहूर हुआ. The unification of the Italy. The unification of the Germany. You can ये आप word read करेंगे. चाहे आप Garibaldi को पढ़ें. चाहे आप जोसेफ मज़ीनी को पढ़ें, चाहे आप बिस्मार्क को पढ़ें, विल रीड दैट सिटोयन वर्ड इन द इटली वॉज वेरी फेमस. बट वेन यू विल फील लाइक दैट सिटी बिलोंग्स टू यू, हाउ कैन यू से दैट आई एम सेइंग दैट दिस कंट्री, दिस नेशन बिलोंग्स टू यू. हाउ आई एम सेइंग दैट, बिकॉज यू आर एंटाइटल्ड टू द राइट्स, टू द प्रिविलेजेस. यू आर एंटाइटल्ड विद द privilege to elect your government. So this nation belongs to you or not? Yes. It belongs to you. So that's why what I'm calling you, because we have particular name of this country, India or Bharat. So you are being called Indian or Bharatiya. Okay? So cities were there. So they were being called Citoyen. सो वो सिटोयन ही होने से मतलब वो उनकी क्या हो गई, इट वॉज अ नेशन स्टेट सिस्टम. वो क्या हो गया, उनका मदरलैंड, उनका फादरलैंड, मदरलैंड फादरलैंड कंसेप्ट. मेरे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर सुनिए, मैंने बहुत खूबसूरती से इसके विषय में समझाया. तो देखिए, जैसे ही एक व्यवस्था, एक संस्था ऐसी आ गई जिसमें लोग पार्टिसिपेट करने लगे, ऑटोमेटिकली सिटीजन वर्ड एक्जिस्टेंस में आ गया. जब तक ये व्यवस्था नहीं थी वो सब्जेक्ट थे, बिकॉज दे वर सब्जेक्टेड ना. बट अब यू कैन कॉल देम सब्जेक्टेड, नो, बट हु दे आर दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी पर्टिकुलर ऑर्डर और द थ्रोन और द घराना और द किंगडम, बट दे आर लॉ अबाइडर. विच इज द लॉ? लॉ ऑफ द लैंड, लॉ ऑफ द सिटी. And being citoyen, they have to follow the law of the land. Yes, so now, in a democracy, citizens are only subjected to the law of the land. Thank you, yes, thank you. Citizens are only subjected to the law of the land. Law of the land. Not to any kingdom, yes. Not to any throne, yes, not to any successorship house. Why you are being subjected to the law of the land? Because that law is somewhere formulated by you. Because that law is somewhere formulated by you. So that's why that law is a law of the soil. Law by the people, law for the people, law of the people. And that people somewhere at some point of time residing at some place na. That's why that is the law of the land, law of the city, and the citoyens prepared that law, and citoyens following that law for the growth of the city. So you belongs to the city, city belongs to you, but that kingdom, that house of the king, वो आपको belong नहीं करता, and you.